हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। आई होप अच्छे होंगे आप सब लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रूट प्लांट है जो हम गार्डन में ऐड करेंगे, और बारिश में बहुत अच्छा टाइम होता है गार्डन में फ्रूट प्लांट ऐड करने का। तो फ्रूट प्लांट ज़रूर ऐड करें, बारिश में अच्छे से इनकी रूट सेट हो जाती है और अच्छे से ग्रोथ करते हैं प्लांट। तो काफ़ी दिन से ये रखे हुए थे। ये थाई पिंक गुआवा है और ये सीडलेस नींबू है। तो दो गुआवा हैं और एक नींबू है। तो गमले में लगाएंगे, कैसे गमले में लगाया जाता है तो वही आज आप लोगों से शेयर करेंगे। एक प्लांट को ज़मीन में लगाएंगे क्यारी में। तो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और जो नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अगस्त का महीना चल रहा है, आज 24 अगस्त है जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छे प्लांट हैं, बहुत हेल्दी हैं। और कंटेनर में जब हम लगाएंगे, कलर वाली बाल्टी है, तो बहुत दिन पहले ही हमने इसे भर के फिल करके रख दिया था। नीचे सारा डिकम्पोज हो चुका है, जो हम नीचे कचरा भरते हैं किचन का और सब्जियों के छिलके और गार्डन की पत्तियां, और ऊपर से वही मिट्टी जो हम बनाते हैं, बहुत अच्छी वेल ड्रेन सॉफ्ट मिट्टी होती है हमारी। तो बहुत अच्छी मिट्टी है और रेडी है। इसमें बड़े बड़े प्लांट लगे थे, उनको निकालना पड़ा हमें, क्योंकि यही बड़े कंटेनर थे गार्डन में खाली जिसमें हम लगाएंगे। तो राख ही फिर से डाल रहे हैं मिट्टी में भी हमारे है, और ऊपर से चाय की पत्ती डाल रहे हैं और राख डाल दी है हमने, और ये हल्दी डाल रहे हैं, और कैल्शियम की जगह इसमें कैल्शियम पूरा करने के लिए चौक डाल रहे हैं, और कुछ दाने सीवीड के। तो इससे बहुत अच्छे से मिट्टी हमारी बन जाती है, फंगस का खतरा नहीं होता है, रूट को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बहुत अच्छे से ये सभी कुछ मिला के, क्योंकि हम ऑर्गेनिक तरीके से ही प्लांट लगाते हैं, मिट्टी भी बनाते हैं, गार्डनिंग हम ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। तो फ्रूट प्लांट लगाने का बहुत शौक़ है और सब्जियां लगाने का। तो हमें ये गिफ्ट में मिले हैं, हमारे रिलेटिव हैं जिनकी बहुत बड़ी नर्सरी है। तो नंबर आपको स्क्रीन पर हम दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर उनका, उनका वेबसाइट भी है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं, और ये उनका चैनल है जो पिक हमने ऊपर लगाई है, तो वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमने इसको चारों तरफ से मिट्टी से ढक दिया है, और जो कुछ भी डाला है ऑर्गेनिक है वो सभी कुछ, जो कुछ इसमें मटेरियल मिलाया है। और इसी तरीके से हम मिट्टी भी बनाते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें मिला के, और ऐसे ही बना के पहले से जब हम गमला भर लेते हैं तो लगाने में आसानी होती है। और बहुत अच्छा मौसम है, अभी अगस्त भी जाने वाला है, बारिश का मौसम अब लास्ट चल रहा है। तो आप लोग भी बहुत जल्दी ही फ्रूट प्लांट ऐड कर लें जो कुछ भी लगाना है। और अमरूद तो बहुत अच्छा होता है, और ये वैरायटी जो है पिंक थाई गुआवा, ये बहुत अच्छी होती है। ये छोटे प्लांट पे ही बड़े बड़े अमरूद इस पे आने लगेंगे। उनके यहाँ जो भी प्लांट थे उनमें छोटी छोटी कलियाँ भी थी, तो अभी हमें इसमें से नहीं लेना है फ्रूट, अभी कलियाँ हटा देना है। तो चारों तरफ से रूट बाउल को बंद कर दिया है मिट्टी से, और ये मिट्टी हमारी पहले से बनी रखी है, बहुत अच्छी मिट्टी है, ऑर्गेनिक तरीके से बनाते हैं। और देखिए, काफ़ी दिन से रखी है बोरी में तो बहुत अच्छी हो गई है, और बारिश का मौसम है, बोरी में भी ये गीले हो गए हैं, थोड़े बहुत नमी पहुंच जाती है बोरी में भी। तो बहुत अच्छा मौसम है, अभी ऐड कर सकते हैं काफ़ी सारे प्लांट, और एक एक करके मेरे पास भी कई सारे हो गए हैं प्लांट, किसी दिन आप लोगों से शेयर करेंगे। और देखिए, इसमें मॉस रोज बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, ये खाली रखा हुआ था लगाने के लिए कि बारिश हो तब लगाएं, तो इसमें बहुत अच्छे कलर के मॉस रोज हैं ये, तो इसे भी निकाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग इस पर हो रही थी, लेकिन हमें प्लांट लगाना है, और ये बड़ी बाल्टी है तो मिट्टी इसमें काफ़ी सारी आती है, तो प्लांट अच्छे से चलेगा। तो गुआवा हमने लगा दिया है, अमरूद का प्लांट, एक कंटेनर में कलर वाली बाल्टी में, और दूसरे में फिर वही सब डाल के, और फिर इसमें नींबू लगाएंगे। और जैसे जैसे बड़े होंगे प्लांट, वैसे वैसे रिपोर्ट भी करना ज़रूरी होता है जब हम गमलों में प्लांट लगाते हैं। तो बहुत अच्छा सीज़न है, आप लोग भी लाएं और अपने गार्डन में ऐड करें, और अपने गार्डन को हरा भरा बनाएं, और फ्रूटिंग भी उससे हार्वेस्टिंग भी लें। तो नींबू का प्लांट और अमरूद का तो ज़रूर होना चाहिए गार्डन में, और ऑर्गेनिक तरीके से हमें मिलेंगे, ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग जब मिलेगी तो बहुत अच्छा लगता है। और अपने हाथों से लगाए हुए जो फ्रूट प्लांट होते हैं, जब फ्रूटिंग पे आते हैं और हमें हार्वेस्टिंग मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। हम ऐसे ही कई प्लांट लाए हैं, धीरे धीरे ऐड किया है फ्रूटिंग वाले, तो इसको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऐसे ही रूट निकल रही है बाहर, और ऐसे ही रूट बाउल को रख के और चारों तरफ से मिट्टी ढक देंगे। और हमने जो भी मिलाया है वो आप लोगों ने देखा ही है, हल्दी, राख, चाय की पत्ती और चौक, और थोड़ी थोड़ी नीम खली भी इसमें ऐड कर देंगे। और पहले से ही मिट्टी में हमारी ये सब चीज़ें ऐड हैं, और जब मिट्टी बनाते हैं उसमें भी यही सब चीज़ें डालते हैं हम।
तो बहुत अच्छे से चलते हैं प्लांट। तो चारों तरफ से मिट्टी से इसको अच्छे से ढक दिया है रूट बाउल को, और अब इसमें पानी डाल देंगे और फिर नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे लगाएंगे ग्राउंड में, उसको भी दिखाएंगे आपको जो क्यारी में लगाएंगे। तो लगाने के बाद पहली बार बहुत अच्छे से पानी भर के दे देना है और यहीं टेरिस पे किनारे साइड करके रख देना है, सेडी एरिया जहाँ थोड़ी हो, लेकिन यहाँ सेडी एरिया नहीं है हमारे छत पे, तो ऐसे ही रख दिया है क्योंकि बादल है और बारिश का मौसम है तो अच्छे से सेट हो जाएंगे। गर्मी में दिक्कत होती है, नीचे रखना होता है सेडी एरिया में, छांव में। तो ये बहुत अच्छे से लग गए हैं, पानी खूब अच्छे से दे दिया है। अब कुछ दिन के बाद अपडेट देंगे आप लोगों को कि ग्रोथ हुई, और यहाँ हमारे घर पे रखे थोड़ी बहुत ग्रोथ इसकी हो गई है। अब नीचे ग्राउंड में आ गए हैं, यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा अमरूद का प्लांट लगा था, बहुत अच्छे अमरूद लगते थे, पूरा भरा रहता था। बहुत पहले की वीडियो में हमारे है बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती थी तो काट दिया था बस किसी वजह से। अब यहाँ पर फिर से लगा रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया था, और हमारे ससुर जी कह रहे थे कि बहुत बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं कट कर दो, तो इसीलिए काट दिया था। कह रहे थे जंगल बना लो, सर पे लगा लो। बहुत सारे प्लांट लगाए हैं हमने, बहुत बड़े बड़े पेड़ भी थे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बेर था, अमरूद थे, अनार थे, और शहतूत का बहुत बड़ा प्लांट था, और परिजात जिसे कहते हैं हरसिंगार वो बहुत बड़ा था, तो इसीलिए कह रहे थे। बहुत सारे फल वाले थे और ऐसे भी थे, तो इसीलिए हटाना पड़ा। तो इसको लगा देंगे फिर से क्योंकि इसको बड़ा नहीं होने देंगे। और ये थोड़ा से जाइम डाल रहे हैं, सीवीड और हल्दी और राग ये सब डाला है, और फिर वही जहाँ पे लगा था उसी जगह पे साइड लगा देंगे इसे, और ज़्यादा बड़ा नहीं होने देंगे, इस बार कट करते रहेंगे। वो बहुत अच्छा हमारा प्लांट था और बहुत अच्छे ढेरों उस पर फ्रूटिंग होती थी, बहुत अच्छे अमरूद थे, तो वहीं पर फिर से लगा दिया है क्योंकि उसकी कमी खल रही है अब, क्योंकि इतनी अच्छी फ्रूटिंग थी उसमें, इसीलिए इसको लगाया है। तो इसको बार बार कट करते रहेंगे, बड़ा ज़्यादा नहीं होने देंगे, और अच्छे से पानी यहाँ भी दे दिया है। और हमारे बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है गार्डनिंग में, तो लगे हैं साथ में, पानी दे रहे हैं, डाल रहे हैं, और बारिश का मौसम है, बहुत अच्छे से प्लांट लग जाएंगे। और आप लोग भी लगा सकते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर में, अगर जगह है तो वहाँ लगा दें, नहीं तो टेरिस में गमलों में बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ्टिंग से और कलम से लगे हुए होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और फ्रूटिंग भी अच्छे से करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, क्यारी में बहुत सारे प्लांट भी लगे हुए हैं नीचे ज़मीन में। ये गुलेबास है, बहुत अच्छी इसके शाम को इसकी फ्लावरिंग होती है और बहुत अच्छी खुशबू इसकी होती है, पूरा गार्डन महक जाता है इसकी खुशबू से। और ये चीकू का प्लांट है, इसे भी हमें ज़मीन में लगाना है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।